वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 9:30 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास शुरू हो चुकी है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की गणित की क्लास जो होती है वो 3 दिन होती है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार अर्थात मंडे, ट्यूजडे, फ्राइडे रात्रि 9:30 बजे से, और 9:30 बजे से अगले 3 दिन सेकेंड सेमेस्टर होती है। इसी तरह से 10 बजे की थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर गणित 3-3 दिन होती है। चलिए शुरू करते हैं, उसके पहले इन सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ आसान है, पीवीआर स्टडी ग्रुप, पीवीआर स्टडी ब्लॉग्स, और फॉलो करें अनअकैडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिससे आपको सभी क्लासें मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। देखिए प्लेस वैल्यू के सवाल हम लोग कैसे करते हैं, गौर करिएगा। आपने प्लेस वैल्यू तो कई बार पढ़ लिया है, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पढ़ लिया है, डीएलएड की अदर सेमेस्टर की क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम एक तरफ से चल रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू आज का टर्न है, ठीक है ना। स्थानीय मान पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, इनमें आप लोगों को जवाब देने हैं, ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हम आपको डिस्क्राइब करके दिखाएंगे। पहला सवाल है 5973 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला 90 होगा, 9999 ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गए सभी के कमेंट्स। कमेंट करने के बाद इस क्लास को लाइक अवश्य करेंगे, नीचे एक बटन टच करना है बस, हो गया। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, अगर हम बात करें इसी नंबर में, जो नंबर हमें यहाँ पे दिया गया है, पहला सवाल हम इधर साइड हल करेंगे, ये है 5973, 9 का स्थानीय मान निकालना है। देखिए एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान, एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू। पहले व्यवहारिक जीवन में समझिए, प्लेस का क्या मतलब होता है, फेस का क्या मतलब होता है, यानी कि जातीय मान का क्या मतलब होता है, स्थानीय मान का क्या मतलब होता है। क्या किसी का स्थान बदलने से किसी की जाति बदल जाती है? आजकल आपके यहाँ जनरल ओबीसी और यहाँ पर जैसे कोई पांडे हैं, कोई सिंह हैं, कोई यादव हैं, कोई पटेल जी हैं, कुछ भी हैं, तो आप देखते होंगे विभिन्न समुदाय और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। तो अगर कोई पहले सामान्य स्टूडेंट है, बाद में वो अधिकारी हो जाता है, अफसर हो जाता है, तो क्या उसकी जाति बदल जाती है? हमारे समझ से तो नहीं बदलती है। कोई अगर मान लेते हैं आज सामान्य व्यक्ति है, कल कुछ स्पेशल हो गया, तो क्या उसकी जाति बदलती है? नहीं बदलती है। उसी तरह से किसी भी संख्या का अगर हम जातीय मान निकालेंगे तो उस संख्या का जातीय मान वही रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अगर 9 का जातीय मान कहेंगे तो 9 होगा, 5 का जातीय मान कहेंगे तो 5 होगा, 7 का जातीय मान कहेंगे तो 7 होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो वही होगा, लेकिन स्थानीय मान बदल जाता है। क्यों? आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, कल आप आईएएस ऑफिसर हो गए तो आप अफसर कहे जाएंगे, मतलब आपका स्थान बदल जाएगा, तो आपका प्रभाव बदल जाएगा, आपका मान बदल जाएगा। आप अभी ये टूटे फूटे रूम में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं किसी से, लेकिन उसके बाद जब आपका स्थान बदल जाएगा तो क्या होगा? आपका मान बदल जाएगा, यानी कि स्थान बदलने से क्या होता है, मान बदल जाता है, यानी कि स्थानीय मान में क्या होता है, बदलाव होता है। तो उसी तरह से अगर 9 का स्थानीय मान की बात करें तो सबसे पहले हम इस गिनती को लिखेंगे, जो भी यहां रहेगा, चाहे जो भी गिनती रहे, उसके बाद एक गुणा का चिन्ह लगाते हैं सिंपल में, फिर देखते हैं उस नंबर के दाहिने साइड कितना अंक है, 1 2 है ना, तो 2 जीरो लगा देते हैं। गुणा करने का आसान तरीका है, पहले दोनों जीरो लिख लीजिए और फिर 9 का गुणा 1 में कर देंगे, 900 हो गया। इस तरह से आपका उत्तर कितना आएगा, 900, ऑप्शन नंबर सी सही है, नोट कर लीजिए। हो गया ना सभी, नोट कर लिए? अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। ऊपर नंबर दिया गया था, वीडियो को पीछे करके आप लिख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सवाल की अगर बात करें तो ये क्या कहता है, ये थोड़ा सा हटके है, स्थानीय मान आप सीख गए होंगे, अभी हम आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आप कर लीजिएगा। इसको देखिए, 983273 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। स्थानीय मानों का योग मतलब जान रहे हैं, यहाँ पर 3 जो है 2 बार है, दोनों 3 का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उनका योग मतलब जोड़ करेंगे, सम, वही उत्तर होगा। तो पहले 3 का स्थानीय मान कितना होगा, देखिए लिखता हूँ पहले मैं यहाँ पर, इस 3 का अगर स्थानीय मान की बात करें तो क्या होगा, 3 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगा के 1 लिखेंगे, 1 2 3 0 है, तो यहाँ पे ये 3 गिनती के बाद 3 जीरो हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000, यानी पहले वाले 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। दूसरे 3 का स्थानीय मान की बात करें तो ये 3 है गुणा 1,
इस तीन के बाद कोई गिनती नहीं है, इसलिए कोई जीरो नहीं लगेगा और ये गुणा होगा तो कंप्लीटली तीन आएगा। एक स्थानीय मान तीन आ रहा है, एक 3000 आ रहा। योग का मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। 3000 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3003। बहुत से लोग पढ़ तो लेते हैं 3003 लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल आपको दिखाते हैं, लास्ट में आपको होमवर्क देंगे, उसे आप लोग घर से करेंगे, ठीक है ना। देखिए मित्रों, इसी क्रम में दो सवाल और लिख दिए गए हैं। जो भी हमारे नए मित्र जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 15 जनवरी के पहले बाबू क्लास की क्वालिटी काफ़ी गड़बड़ थी। अगर आपको कोई ऐसा वीडियो मिलता है जिसकी क्लास की क्वालिटी काफ़ी ख़राब लग रही है तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य शेयर करें, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है 9793488448। वीडियो को पीछे करके नंबर को फिर से लिख लीजिए आप लोग। और ये जो सवाल आपके सामने हैं, जो नए सवाल हैं, इनको देखिए। 9810211 में 1 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब होता है घटाना, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है 990 999 900 9900। अगला सवाल है आपके सामने 54032 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। कैसे समझेंगे, गौर करिएगा। पहले सवाल, तीसरा, पहले इसमें हम दोनों 1 का स्थानीय मान प्राप्त करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले 1 का स्थानीय मान जो है वो 1 लिख करके आप, 3 गिनती है ना, तो 3 जीरो लगाएंगे, यानी कि ये कुल मिला करके 1000 हो जाएगा। दूसरा एक सिंपल में वैसे ही रहेगा क्योंकि इसका स्थानीय मान बदलेगा नहीं, लास्ट में है। तो जब आप 1000 से 1 घटा देंगे तो 999 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। नहीं समझ में आया कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए उनको नोट कर लीजिएगा, अभी लास्ट में दिखा देंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को और पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल क्लास ज्वाइन करना होता है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए। हो गया, तो चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है इसमें 0 का स्थानीय मान क्या होगा। आपको मौका मिल रहा है, जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन इसी में से है सही। सभी के कमेंट्स हो गए, कोशिश नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए कि जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ होगा, मुश्किल नहीं होगा, मतलब कि आसान नहीं होगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं बाबू, ठीक है ना। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो हम चलते हैं। 0 का स्थानीय मान निकालना है, सबसे पहले ये गिनती लिखते हैं जिसका स्थानीय मान निकालना होता है, फिर गुणा का चिन्ह लगा करके 1 लिखते हैं, इसको आप पहले सीख चुके हैं। इसके बाद देखिए, 2 गिनती है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। 0 में किसी का भी गुणा करते हैं तो सब 0 हो जाता है, यानी कि ये 0 ही आएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए, आप समझ गए होंगे ये सवाल। तो हम आपको कुछ सवाल देंगे घर के लिए, उसके पहले कुछ और भी सवाल कर लेते हैं, गौर से देखिएगा, समझिएगा। देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको 7 सवाल दिए गए हैं, इन सभी सवालों को आप लोग हल करेंगे अपनी कॉपी में, अपनी किताब में, कॉपी में, बुक में, कहीं भी हल करेंगे, चाहे घर में बैठ के करेंगे, चाहे द्वारे करेंगे, चाहे छत पे, चाहे कमरे में, कहीं भी हल करेंगे। और हल करके जो ऊपर नंबर दिया गया इस पर आप लोग भेजेंगे, ठीक है। अगर आपने स्पेशल क्लास ज्वाइन किया है तो आपका सभी सवाल बहुत जल्दी ही चेक हो जाएगा और आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा आपका कौन सा सही कौन सा गलत है। सर देखेंगे आपका जो भी मैसेज करेंगे, ठीक है। आप लोग फोन कॉल मत करिएगा, कृपया करके हमारी रिक्वेस्ट है, वरना वो परेशान हो जाते हैं। आप केवल हल करके भेज दीजिएगा बस, ठीक है। और कुछ मित्र हमारे ये कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे, बस केवल आपको उत्तर देना है कैसे हल किया, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, एक बार सवाल को वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, कॉपी में हल करिएगा, जब सभी के उत्तर आ जाएंगे तो उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, मतलब आपके व्हाट्सएप पे लिंक मिली रहेगी या यूट्यूब में आप ढूंढ सकते हैं, जा करके कमेंट बॉक्स में सभी का उत्तर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 सभी के उत्तर देंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक दी गई है, उन सभी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये सब करते हैं ना तो गणित आपको आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं होता बाबू। मैं आपके सामने से हट जाता हूँ जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन दिख सके और आप लोगों को बिल्कुल बुरा ना लगे। तो नोट कर लीजिए इसको, नोट करके हल करेंगे। देखिए कोई भी काम कोशिश करने से होता है, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, अगर आप कोशिश करते हैं
तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप संभव ना कर सकें। जी हाँ बिल्कुल, आपने सुना होगा और मैंने आपको बताया भी था, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हुआ ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में जीत की गूंज चाहिए। अगर आप इरादों में जीत की गूंज रखते हैं, साफ रखते हैं, तो आप अवश्य जीतेंगे। बस कोशिश करते रहें। 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट का जो सपोर्ट है, ये आप लोग ऐसे बनाए रखें, अपने मित्रों में क्लास को शेयर करें, जल्दी से जल्दी पीवीआर स्टडी की संख्या लाखों में पहुंचाएं। ये आपका अपना कर्तव्य है और गणित सिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार रघुवंशी फिर से मिलूंगा एक नई उम्मीद और एक नई क्लास के साथ थोड़ी देर बाद, यानी कि रात्रि 10 बजे से डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास के साथ। अगर आपने स्पेशल क्लास ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है आपको वो क्लास यूट्यूब पर ना दिखे, नहीं तो आपको सभी क्लास मिलेंगी। 10 बजे से फिर से क्लास होगी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे कल जहाँ पढ़े थे उसके आगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।